देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ प्राइजेस इंक्रीजेस देन द वेजेस राइज। मतलब क्या है यहाँ पे, देखो आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, इफ देन है, तो इसे हमको क्या करना है, रीराइट करना है, और इफ देन लिखना नहीं है। और इफ देन लिखना नहीं है तो इसे कैसे देखेंगे, तो देखो सॉल्यूशन में लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट पी बी द, पी क्या होगा, पी होगा प्राइजेस इंक्रीजेस, और क्यू क्या होगा, द वेजेस राइज, द वेजेस राइज। उसके बाद द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी इंप्लाई इज क्यू। कैसे होगा, पी इंप्लाई इज क्यू। बट आप लोगों को पता है क्या, पी इंप्लाई इज क्यू को स्टेटमेंट ऑफ अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। कैसे लिखते हैं, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। तो निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू को द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज। तो फिर से कैसे लिखेंगे, निगेशन पी है तो निगेशन पी मतलब क्या होगा, प्राइजेस डू नॉट इंक्रीजेस, प्राइजेस डू नॉट इंक्रीजेस। अब डिसजंक्शन के लिए क्या यूज करते, और यूज करते, तो यहां पे और उसके बाद क्यू है, क्यू क्या है, द वेजेस राइज, द वेजेस राइज। तो यह क्या होगा, इफ देन को छोड़ के विदाउट यूजिंग इफ देन हम लोगों ने इसको क्या किया, इस तरह से लिख लिया। तो यह क्या होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इफ इट इज कोल्ड देन वी वेयर वुलन क्लॉथ्स। तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट पी कोलन, पी क्या होगा, इट इज कोल्ड, और क्यू कोलन क्या होगा, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, बराबर है। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, पी इंप्लाइज क्यू। बट हम कैसे लिखते हैं पी इंप्लाइज क्यू को, पी इंप्लाइज क्यू को हम लिखते हैं निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। कैसे लिखते हैं, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एज। तो गिवन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, पहले क्या हो है, निगेशन पी मतलब क्या, इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड। यहां पे क्या लिखेंगे इसके लिए, और
क्यू एज इट इज क्या वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट पी क्या होगा, अ मैन इज अ जज, इज अ जज, और क्यू स्टेटमेंट क्या होगा, क्यू स्टेटमेंट होगा ही इज ऑनेस्ट, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा, P इंप्लाई इज Q, बट हम लोग कैसे लिखते हैं P इंप्लाई इज Q को, हम लोग लिखते हैं निगेशन P डिसजंक्शन Q, निगेशन P डिसजंक्शन Q, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज द गिवन स्टेटमेंट can be written as, given statement को किस तरह से लिखेंगे, negation p है, मतलब क्या होगा, a man is not a judge, a man is not a judge, और यहाँ पे क्या होगा इसके लिए, और बाद में क्यों, क्यों क्या है, he is honest, he is ऑनेस्ट, ये होगा उसका आंसर, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन गिवन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ टू इज अ रैशनल नंबर देन रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, लेट पी कोलन, पी कोलन क्या होगा, टू इज अ रैशनल नंबर, और Q कोलन क्या होगा, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सिंबॉलिक form of given statement is क्या होगा, P implies Q, but हम लोग कैसे यूज करते हैं, P implies Q को कैसे लिखते हैं, negation P disjunction Q, therefore the given statement can be written as, the given statement can be written as, kya hoga negation p matlab 2 is not a rational number, 2 is not a रैशनल नंबर, यहाँ पे डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, और क्यू एज इट इज, क्यू क्या है, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। देखो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, एक आप लोगों के लिए होमवर्क है जो सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है,
इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो देन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। तो इसे सॉल्व करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से पढ़ सके, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए।